बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं, एंड लोअर प्लांट। जो लोअर प्लांट हैं, फॉर एग्जांपल हम बाज़ फंजाई को भी हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम प्लांट काउंट करते हैं, तो ये लोअर प्लांट हैं। और उनके जो उवो माइकोटा वगैरह ग्रुप हैं उनके अंदर आप पढ़ा होगा कि वहाँ सेंट्रियोल मौजूद हैं। तो सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर और लोअर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद हैं। अब सेंट्रियोल ये दे आर मिसिंग इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होते, और ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में कहाँ होते हैं? देखिए, ये एनिमल का सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पर, यानी बाहर वाली सरफेस के करीब, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के साथ ये अटैच होते हैं, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। और ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, यानी सेंट्रियोल का एक पेयर यहां मौजूद होता है, और ये दोनों सेंट्रियोल यानी एक पेयर दे आर प्रेजेंट एट द राइट एंगल विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर मौजूद होते हैं। देखें, अगर एक सेंट्रियोल आप देख सकते हैं ये इस तरह मौजूद है तो उसका राइट एंगल इस तरह बनेगा 90 का एंगल, तो दूसरा सेंट्रियोल इस तरीके से मौजूद होगा। तो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। अब ये बिफोर सेल डिवीजन, यानी सेल को डिवाइड होने से पहले, ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के अंदर ये सेंट्रियोल का जो पेयर है ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो सेंट्रियोल्स जो हैं ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब एक पेयर से जी दो पेयर बन जाएंगे, और उनमें से आप देख सकते हैं कि जो दूसरा पेयर है वो मूव कर जाता है टुवर्ड अपोजिट पोल, दूसरे पोल की तरफ। तो इसी तरह एक सेंट्रियोल का पेयर वही मौजूद रह जाएगा, दूसरा अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह सेल के अंदर बाइपोलैरिटी बन जाएगी, और इन दोनों के दरमियान फिर जी स्पाइंडल फाइबर डेवलप हो जाते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं बिटवीन टू सेंट्रियोल पेयर्स। और अगर हम सेंट्रियोल की क्रॉस सेक्शन के हवाले से बात करें, तो जो ईच सेंट्रियोल है, हर सेंट्रियोल है, उसमें सिलेंड्रिकल एरे ऑफ, सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसी गोलाई में एरे अरेंजमेंट ऑफ 9 माइक्रोटिब्यूल्स। जी, यहां सिलेंडर जैसी अरेंज में 9 माइक्रोटिब्यूल्स हैं। ये देखें, ये 1 माइक्रोटिब्यूल, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो आप देख सकते हैं ये 9 माइक्रोटिब्यूल का ये मैं ट्रिपलेट बना रहा हूँ। देखें, ईच माइक्रोटिब्यूल के अंदर 3 टिब्यूल्स हैं। ईच माइक्रोटिब्यूल इज फर्दर कंपोज ऑफ 3 टिब्यूल्स। ये देखें, 3 टिब्यूल्स हैं। तो ये इस तरह सिलेंडर जैसी अरेंजमेंट में मौजूद हैं, सिलेंड्रिकल एरे है जी। तो इस तरीके से ऐसे सिलेंड्रिकल एरे होती है, सिलेंडर जैसी अरेंजमेंट होती है 9 माइक्रोटिब्यूल्स की, और ये हर जो माइक्रोटिब्यूल है फर्दर कंपोज ऑफ 3 टिब्यूल्स। तो इनके अंदर फिर 3 टिब्यूल हैं। ये एक सेट ऑफ जी
माइक्रोटिब्यूल ट्रिपलेट है। अब यही वाले जो माइक्रो आमतौर पर टिब्यूल्स हैं, ये फिर स्पाइनल फाइबर बनाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि ये एक तो ये स्पाइनल फाइबर बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दूसरा ये है कि फिर ये क्रोमोसोम की मूवमेंट करेंगे, इनसे सीलिया भी डिवेलप होते हैं, इसी तरह ये हेल्प करता है फरोइंग बनाने में, क्लीवेज फरोइंग बनाने में। देखें जब दो सेल डिवाइड होने लगते हैं तो दरमियान में एक फरो बनता है, इसे क्लीवेज फरो भी नाम दे देते हैं। तो ये फरोइंग बनाने में अहम रोल जी किसका होता है, सेंट्रियोल्स का। तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, लोअर प्लांट में है, प्लांट में मौजूद, बाहर प्लांट में मौजूद नहीं होंगे। ये न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे मौजूद होते हैं, पेयर होते हैं, दो होते हैं, एक दूसरे के ये राइट एंगल पे होंगे। और सेल डिवीजन से पहले ड्यूरिंग इंटरफेज ये एक पेयर डुप्लीकेट होकर दो पेयर बना देते हैं, फिर इनके दरमियान स्पाइनल फाइबर बनते हैं, ये सीलिया बनाते हैं, ये फरोइंग बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन लें हर सेंट्रियोल का, तो ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोटिब्यूल्स एंड ईच माइक्रोटिब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 टिब्यूल्स जी। अच्छा, एक